हे गाइस, आज से हम डिजिटल मार्केटिंग का प्रीमियम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ये कोर्स टोटली फ्री होगा और ये कोर्स बेसिक से एडवांस लेवल तक जाने वाला है। मैं इस कोर्स में सबसे अच्छी बात ये मानता हूँ कि सबसे पहले तो मैं इस कोर्स को एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा और दूसरी बात, मैं इस कोर्स में एक आपको डाउट क्लियर करने के लिए एक फैसिलिटी भी दूंगा। ये फैसिलिटी कैसी है, इस फैसिलिटी के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको कॉन्टेक्ट करना है व्हाट्सएप पे और वहां पे भेजना है कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए। मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो फिर जितने भी आपके डाउट्स होंगे आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे और हमारी टीम से पूछ सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले बता दूं, जिस भी स्टूडेंट ने डिजिटल सर्वन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि अब पूरा एडवांस लेवल तक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स इस चैनल पे आने वाला है। और दूसरी बात, आप नोट्स हमेशा बनाते चलना पूरे कोर्स में, क्योंकि अगर आपने नोट्स बनाया और आपको सब कुछ याद रहता है, डेफिनेटली आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग इज द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी मेनली ऑन द इंटरनेट बट आल्सो इंक्लूड मोबाइल फोन्स, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग एंड एनी अदर डिजिटल मीडियम। डिजिटल मार्केटिंग को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो डिजिटल मार्केटिंग एक मार्केटिंग का ही पार्ट है। जब हम बात करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग करनी है, जब हम बात करते हैं इंटरनेट का यूज करके मार्केटिंग करनी है, तो उसको ही डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग को ऑनलाइन मार्केटिंग भी बोलते हैं, तो आप ऑनलाइन मार्केटिंग भी बोल सकते हैं। मैं बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के क्या क्या कर सकते हैं, कैरियर में आपको क्या करना है डिजिटल मार्केटिंग सीख के, सब कुछ हम बात करते हैं। सबसे मेन है कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है अगर हम डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से सीख लेते हैं। अब बात करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आपके पास क्या करियर अपॉर्चुनिटी है? सबसे पहले तो आप जॉब कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद मैं बता दूं, जॉब की कमी नहीं है। आप राइट नाउ गूगल पे सर्च करेंगे, हजारों लाखों जॉब आपको डिजिटल मार्केटिंग की मिल जाएंगी। बट शर्त यह है कि आपको स्किल्स आनी चाहिए और स्किल्स सिखाऊंगा मैं इस कोर्स में, पूरी स्किल डेवलप करने की आपकी कोशिश करूंगा। अब देखिए, आप किस किस सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। आप SEO एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट बन सकते हैं, PPC एक्सपर्ट बन के जॉब कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, ब्लॉगिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, वीडियो मार्केटर्स बन सकते हैं। मैं भी आपको काउंट कराऊंगा तो बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे सेक्टर्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी सेक्टर में जाके डिजिटल मार्केटिंग में जॉब कर सकते हैं, आप फुल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट भी आप बन सकते हैं। तो जॉब्स की यहाँ पे कमी नहीं है, सिंपल कहने का मतलब ये, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से सीख लेते हैं। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है बिजनेस। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं तो अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को गूगल पर आप ला सकते हैं, टॉप पर रैंक करा सकते हैं, सोशल मीडिया पे ला सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने की। तो डिजिटल मार्केटिंग सीख के ही आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग इसलिए भी आप सीख सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं आपके फ्यूचर में आपको बिजनेस करना है, तो बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत जरूरी है। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो फ्यूचर में एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके बिजनेस पे कस्टमर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे हर एक बिजनेस को ऑनलाइन होना जरूरी है। फिर तीसरा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, अगर हम तीसरी करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो तीसरी अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन अर्निंग। आप डिजिटल मार्केटिंग सीखकर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, एक अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप गूगल एडसेंस से अर्निंग कर सकते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग से अर्निंग कर सकते हैं, आप बहुत सारे वीडियो मार्केटिंग करके अर्निंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, बहुत सारे लाइक ऑनलाइन अर्निंग के बहुत सारे सोर्स हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाते हैं तो आपकी एक पैसिव इनकम स्टार्ट हो ही जाएगी, अगर आप प्रॉपर मैनर में डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे। और किसी भी फील्ड में, आप दुनिया की किसी भी फील्ड में चले जाएं, इतने ऑप्शंस नहीं है। आप किसी भी चीज को सीखें उसके बाद आपको जॉब करना पड़ेगी या फिर बिजनेस करना पड़ेगा, बट डिजिटल मार्केटिंग सीख के आप जॉब भी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे, ऑनलाइन अर्निंग भी करेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट है एफिलिएट मार्केटिंग। आपके पास एक करियर ऑप्शन और है, आप एफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं। मैं बता दूं, इंडिया में एफिलिएट मार्केटर पर डे $1,000 अर्न कर रहे हैं। कैसे करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग का भी सीक्रेट होता है, पूरी एफिलिएट मार्केटिंग सीखेंगे अच्छे से, बेसिक टू एडवांस, देन आप एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। देन अगले ऑप्शन की बात करें करियर अपॉर्चुनिटी के लिए, तो अगला ऑप्शन आपके पास है ड्रॉप शिपिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग मीन्स क्या होता है, लाइक देखिए, हम चाइना से प्रोडक्ट लेंगे, US UK में उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे। आपको पता है चाइना में प्रोडक्ट बहुत सस्ते होते हैं, US UK में उन प्रोडक्ट की रेट बहुत हाई हो जाती है, तो हम इंडिया में बैठ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू चाइना से प्रोडक्ट लेके US UK में प्रमोट करेंगे, उसको हम बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। ये भी हम सीखेंगे ड्रॉप शिपिंग। फिर हम सीखेंगे ई कॉमर्स,
अब देखिए आपके पास एक करियर ऑप्शन और है, आप ई कॉमर्स में जा सकते हैं। ई कॉमर्स मीन्स अपनी लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ऐसी वेबसाइट आप अपनी भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करते हैं कोर्स में आगे सीखेंगे। तो करियर अपॉर्चुनिटी आपके पास अनलिमिटेड है, बस अब आपके पास पैशन होना चाहिए सीखने का, आपके पास जुनून होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं ये सब काम करना तो एक जुनून बना लें कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, मैं आपका फुल सपोर्ट कर रहा हूं, मैं आपके लिए डाउट सेशन अरेंज करा रहा हूं, पूरा सपोर्ट मेरी तरफ से आपको है। तो सबसे पहला पॉइंट है विजिबिलिटी। हम डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आप विजिबिलिटी बढ़ा लेंगे तो बहुत सारे लोग आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। विजिबिलिटी में बहुत पावर है और हम ये डिजिटल मार्केटिंग से अपने बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। दूसरा ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग तो सबको पता होगा, हम अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपनी एक ब्रांड बना सकते हैं, पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में अपनी ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके, रैली यूज करके। इंस्टाग्राम पर ब्रांडिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग कर सकते हैं, एसईओ के थ्रू ब्रांडिंग कर सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू ब्रांडिंग कर सकते हैं, सब कुछ हम सीखते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। ये भी एक स्कीम पोटेंशियल। देन नेक्स्ट जनरेट ट्रैफिक। आप बिजनेस करते हैं, आप क्या चाहते हैं? आप बिजनेस करते हैं तो आप यही चाहते हैं कि मेरी शॉप पर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए। तो डिजिटल मार्केटिंग के यूज से आप अपने बिजनेस पे ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं, ये भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप अपने बिजनेस के लिए ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं। देन अगला यहाँ पे है कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ मार्केटिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, आप कॉस्ट इफेक्टिव वे कम से कम दाम में मार्केटिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं तो पैम्पलेट छपवाते होर्डिंग लगवाते हैं, बहुत हाई कॉस्ट जाता है। अब डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके फ्री मेथड से, पेड मेथड से कम रुपयों में आप अपनी कॉस्ट इफेक्टिव वे में मार्केटिंग कर सकते हैं, कम से कम पैसों में मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करवा सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग एक कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ मार्केटिंग है। आप बिल्कुल कम से कम पैसों में डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं और आप खुद सीख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। देन नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके अपने बिजनेस में जितना लगाएंगे उससे ज्यादा हम रिटर्न ले सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग का यूज करते हैं, हम यहाँ पे एक्यूरेट ऑडियंस तक, हम देखिए हम होर्डिंग्स और पेम्पलेट्स लगवाते हैं, वो लोग सभी लोग देखते हैं उनको, एक टैक्सी वाला भी देखता है, एक सब्जी वाला भी देखता है, एक नॉर्मल मैन भी देखता है जो होर्डिंग्स और टेम्पलेट्स होती है। बट जब हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हैं तो हम एक टारगेटेड ऑडियंस को अपनी एड दिखा सकते हैं, इसीलिए हमारा इन्वेस्टमेंट जितना हम करते हैं उससे ज्यादा हमें रिटर्न मिल जाता है। तो पावर है डिजिटल मार्केटिंग में, इसीलिए यहां पर लोग जो डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हैं सब लोग यहां पर प्रॉफिट में रहते हैं। तो आपको भी डिजिटल मार्केटिंग का यूज करना चाहिए अपने बिजनेस के लिए। देन है नेक्स्ट पॉइंट है डेमोग्राफिक बेस्ड टारगेटिंग। आप देखिए डेमोग्राफिक बेस पे टारगेट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स मींस एक लोकल एरिया में, जैसे आपकी शॉप है तो आप लोकल एरिया में लोगों को टारगेट कर सकते हैं। आप लोकल एरिया के लोगों को बता सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके बता सकते हैं कि ये शॉप इस एरिया में आप आके विजिट कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर एज वाइज टारगेट कर सकते हैं। आपको पता है कि आपके बिजनेस की बिजनेस जो आपका प्रोडक्ट है उसको 18 साल के लोग लेते हैं, 20 साल के लोग लेते हैं, तो आप 18 से 20 साल के लोगों को टारगेट कर सकते हैं ओनली डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके। तो इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे ये बेनिफिट होगा कि जो देखो आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो खर्चा होता है पेम्पलेट होर्डिंग छपवाने का, उससे बच जाओगे आप और कम से कम दाम में, कम से कम रुपयों में, आप कॉस्ट इफेक्टिव वे में आप डिजिटल मार्केटिंग कर पाओगे। तो डेमोग्राफिक बेस्ड टारगेटिंग यहाँ पे अवेलेबल होती है, तो ये एक बेनिफिट है। इनसाइट्स इनटू द कस्टमर। आप लोगों की इनसाइट्स चेक कर सकते हैं कि किस एज के लोग आ रहे हैं, किस कंट्री से आ रहे हैं, किस सिटी से आ रहे हैं, किस एरिया से आ रहे हैं, किस टाइप के लोग आ रहे हैं। सारी इनसाइट्स आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके आप देख सकते हो। इससे आपको आपके ऑडियंस पता चलेगी, फिर आप उन ऑडियंस को फिर से टारगेट करके अपना कन्वर्जन 10x गुना बढ़ा सकते हैं। तो ये पावर है डिजिटल मार्केटिंग की। आप यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है मेजरेबल रिजल्ट। आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हो तो अपने रिजल्ट को मेजर कर सकते हो कि कितना कन्वर्जन हुआ, कहां से कन्वर्जन आया, सब कुछ आप मेजर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या बेनिफिट है? सबसे पहला बेनिफिट है अफोर्डेबल है डिजिटल मार्केटिंग, बहुत ही अफोर्डेबल है, आप इसका यूज कर सकते हैं। मास ऑडियंस रीच है, हम ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को अपनी एड दिखा सकते हैं, हम अपने एसईओ के थ्रू वेबसाइट दिखा सकते हैं, तो ऑडियंस रीच भी बहुत आई है। पर्सनलाइज्ड है। पर्सनलाइज्ड का क्या मतलब है कि जैसे मान के चलो मैं चाहता हूं कि इस पर्सन को मेरी एड दिखे, एक्स वाई जेड को एक पर्सन है उसको मेरी एड दिखे, तो हम उसको एड दिखा सकते हैं यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग। हम उसको अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हैं अपने घर से यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग, पर्सनलाइज्ड है। ट्रैकेबल है, हम ट्रैक कर सकते हैं। मेजरेबल है, हम मेजर कर सकते हैं। और सोशल मीडिया का यूज करके हम डिजिटल मार्केटिंग में बहुत पावरफुल बना देते हैं डिजिटल मार्केटिंग को, सोशल मीडिया का यूज करते हैं।
इम्प्रूव कन्वर्जन रेट, हम अपने कन्वर्जन रेट को इम्प्रूव कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अब आज से आप नोट्स क्रिएट करना स्टार्ट करें क्योंकि ये लेक्चर सीरीज पूरी एडवांस लेवल तक जाने वाली है। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और जिनको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है और जिनको जरूरत है उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें और बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स डिजिटल शिवम यूट्यूब चैनल पर आने वाला है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइज, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।